हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप आप सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहे और अपने आप को कोरोना से आप सेफ ही रखोगे गॉड ब्लेस कि जल्दी वो टाइम आए जब हम दोबारा आपस में कांटेक्ट में आएंगे और प्रॉपर स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर ऑनलाइन क्लासेस आज हम पार्टनरशिप वन चैप्टर में जर्नल इंटरेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हमने टॉपिक किया था कि हमने पार्टनर्स को कई तरह से पैसा देना भी होता है और लेना भी होता है तो वो जो हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी एंट्रीज डालते हैं वो सब की जनरल एंट्रीज में आज आपके साथ डिस्कस करूँगी सबसे पहले हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में टू साइड ट्रांसफ़र करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट इन कैपिटल उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है उसके लिए पहले आपको इसका लॉजिक समझना होगा इंटरेस्ट इन कैपिटल फ़र्म के लिए हम जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो सब हम फर्म और बिजनेस के बिहाफ पे प्रिपेयर करते हैं इंटरेस्ट इन कैपिटल फ़र्म ने पार्टनर्स को देना है इसीलिए वो फर्म के लिए क्या है एक एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट इन कैपिटल पे कौन सा रूल अप्लाई होगा वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो हमारी जनरल एंट्रेस में क्या बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू हमने किसको करना है ये पैसा हमने पार्टनर्स को देना है जब हमने पार्टनर्स को पैसा देना है तो वो हमारे लिए पार्टनर्स बन गए हमारे क्रेडिटर्स इसीलिए हम उनको करेंगे क्रेडिट सो so, मैं आपको ये लॉजिक प्रॉपर क्लियर करती हूँ अभी जब भी हमने पार्टनर्स को पैसा देना होता है तो उनका कैपिटल अकाउंट किया जाता है क्रेडिट और जब भी पार्टनर से पैसा लेना होता है तो उनका कैपिटल अकाउंट किया जाता है डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को फॉर्म ने देना है तो फर्म उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी क्रेडिट तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो एज पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करनी है उन्होंने कहा इंटरेस्ट कैपिटल देना है फाइव परसेंट और ए की कैपिटल है वन लैख बी की है एटी थाउजेंड तो वन लैख पे फाइव परसेंट हमारा आएगा फाइव थाउजेंड एटी थाउजेंड पे फाइव परसेंट हमारा आएगा फोर थाउजेंड तो इस हिसाब से ए को मिलेगा फाइव थाउजेंड बी को मिलेगा फोर थाउजेंड और टोटल इंटरेस्ट इन कैपिटल हमारा बन गया नाइन थाउजेंड इसकी नरेशन क्या बनेगी बींग इंटरेस्ट इन कैपिटल ड्यू या अलाउड यहाँ पे आप अलाउड वर्ड भी यूज कर सकते हो तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी बींग फर्स्ट नरेशन बनेगी बींग इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स ये yes, स्टूडेंट्स अभी हमारा पी इंटरेस्ट इन कैपिटल टॉपिक ही कंटिन्यू है हर ट्रांजैक्शन के लिए हमने दो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है उसका रीज़न क्या है जब भी फर्म या बिजनेस कोई खर्चा करता है या कोई इनकम कर जनरेट करता है दोनों केसेस में हमने खर्चे और इनकम को एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है जो जर्नल आउटसाइड खर्चे और इनकम्स होती हैं क्योंकि ये सारे खर्चे और इनकम्स रिगार्डिंग पार्टनर्स हैं तो ये सब एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफ़र किए जाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आपने मतलब बेसिकली दो इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए हमने दो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है पहली एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया है अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फॉर्म का खर्चा था उसको ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब इस एंट्री का लॉजिक क्या है आपको प्रीवियस एंट्री माइंड में रखनी होगी प्रीवियस एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था तो अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने के लिए जो पहले किया है सेकेंड टाइम हम उसके ऑपोजिट चलेंगे इंटरेस्ट इन कैपिटल को इस एंट्री में हम कर देंगे क्रेडिट और डेबिट साइड हम लिख देंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें लमसम अमाउंट प्रीवियस एंट्री से ही पिक करनी है जितना हमने इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउ किया था फाइन सो so, इसकी नरेशन होगी बींग इंटरेस्ट इन कैपिटल ट्रांसफर्ड हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया इंटरेस्ट इन कैपिटल को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ये जर्नल एंट्रीज हैं तो इसमें जर्नल वाला परफॉर्मा सारा वही चलेगा जो आप प्लस वन में कर चुके हो डेट uh, यहाँ पे नहीं है तो सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट वो परफॉर्मा मैं दोबारा से यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया मैंने क्योंकि आई होप कि वो प्लस वन का आपका बेसिक कंसेप्ट है तो आप सबके माइंड में होना चाहिए वरना आपको बुक बुक्स में नोट्स में वो परफॉर्मा अवेलेबल हो जाएगा यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया सैलरी अलाउड टू ए सैलरी फिर फर्म का क्या है खर्चा तो इसलिए सैलरी को हम करेंगे डेबिट बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस खर्चे का नाम हमेशा डेबिट होता है देना किसको है ये फर्म ने ए को देना है क्योंकि पार्टनर को देना है इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट सो एंट्री गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट सैलरी दी हुई थी हमने वही वैल्यू पिक की है और इसकी नरेशन हो जाएगी बींग सैलरी अलाउड टू पार्टनर अब इसकी भी सेकंड एंट्री फिर से आएगी उसमें हम सैलरी को ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में देखिए यहाँ पे सैलरी डेबिट हो रही है तो नेक्स्ट एंट्री में हमारी सैलरी क्या हो जाएगी क्रेडिट और अपोजिट साइड मींस डेबिट साइड पे आ जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रियशन अकाउंट और नरेशन हो जाएगी बींग सैलरी ट्रांसफर्ड सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जब हम कमीशन या बोनस के लिए एंट्री डालेंगे तो सेम एंट्रीज फॉर कमीशन जस्ट रिप्लेस सैलरी वर्ड विद कमीशन अगर यहाँ पे सैलरी की जगह दिया होता कमीशन अलाउड टू पार्टनर तो हम यहाँ पे लिखते हैं कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट देन नेक्स्ट एंट्री में पी एंड एल अप्रोप्रेशन अकाउंट डेबिट टू अगेन सैलरी की जगह हम वर्ड क्या रिप्लेस कर देते कमीशन ठीक है जी ये सारी हैं हमारी जनरल एंट्रीज एक्सपेंसेस के लिए हाँ जी स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जब हमने पार्टनर्स को कुछ देना नहीं रादर उनसे कुछ लेना है फॉर्म ने पार्टनर से क्या लेना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होता है चार्ज करने का मतलब उनसे लेना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है पहले तो इसकी कैलकुलेशन हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं वैसे ये है हम कर चुके हैं बट स्टिल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है सिक्स पर एनम ए ने विड्रो किया थ्री थाउजेंड बी ने विड्रो किया टू थाउजेंड तो ए की वैल्यू है थ्री थाउजेंड बी की टू थाउजेंड सिक्स परसेंट पर एनम वर्ड यहाँ पे डेफिनेटली गिवन होगा आपको तो सिक्स परसेंट के साथ हम लगाएंगे सिक्स बाय ट्वेल्व ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये सिक्स बाय ट्वेल्व हमने इसलिए लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बताया कि पार्टनर ने वो पैसा विड्रॉ कब किया था तो हम अपनी तरफ से ड्राॅइंग्स में हमेशा एजम्शन लेके चलेंगे जब डेट गिवन ना हो तो हम एजाम्शन लेके चलते हैं कि पार्टनर ने ये ये ड्राॅइंग्स मिड ऑफ द ईयर में की होंगी इसलिए उस पर इंटरेस्ट सिक्स मंथ्स का लगेगा तो उनकी वैल्यू आ गई नाइन्टी और सिक्सटी अब इस बार फॉर्म ने पार्टनर से पैसा लेना है तो फॉर्म के लिए पार्टनर्स क्या बन गए उनके डेटर्स डेटर्स को हमेशा क्या किया जाता है डेबिट तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राॅंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग को हम क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस नॉमिनल अकाउंट हमें बताता है कि हम अपनी सारी इनकम्स और गेंस को हमेशा क्रेडिट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग हमारा क्रेडिट हो जाएगा ए की वैल्यू 90 हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी बी की 60 कैलकुलेट की थी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा बन गया 160 अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट किया है तो ट्रांसफर एंट्री में हम इसको कर देंगे डेबिट तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमारी फर्स्ट नरेशन है बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एंड सेकंड नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर्ड ये yes, स्टूडेंट्स हमारी लास्ट जर्नल एंट्री है रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट्स जब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसको क्लोज करने के टाइम लेफ़्ट साइड में हमारे जो प्रॉफिट्स बचते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं ना टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राइट वो वाले प्रॉफिट्स जो हमने पार्टनर्स को देने हैं वो तो अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं अगर उसको जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिखना हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी उसकी जर्नल एंट्री है आ, हमने अगेन ये प्रॉफिट्स हैं पार्टनर्स को पैसा देना है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट हमने उनको क्या देना है इस बार सैलरी कमीशन वगैरह नहीं दे रहे हैं. हम यहाँ पे उनको दे रहे हैं प्रॉफिट्स तो यहाँ पे हमारी वर्डिंग क्या होगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी एस कैपिटल अकाउंट ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है वो रेशो लगा के आती होती है ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने जस्ट आपको अब ये बताया है कि वो अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन को हमने एज अ जर्नल एंट्री ऐसे रिकॉर्ड करना है और इसकी नरेशन बन जाए कि बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड केस हमारे प्रॉफिट्स ना बच के पी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे लॉसेस आ जाते हैं उस केस में हमारी यही जर्नल एंट्री रिवर्स बन जाएगी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स दीज ऑल आर जर्नल एंट्रीज ऑफ पार्टनरशिप वन दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू हैव अटे सेफ स्टे होम अपना ध्यान रखिए सेफ रहिए और अपने घर में रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए थैंक यू